सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू सीन ऑफ कुरलुस उस्मान। बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला आज का, बिकॉज लास्ट सीन में हमने देखा कि अब्बास की डेथ हो चुकी है जो बंसी भाई के बेटे थे, एंड अभी आगे के सीन देखते हैं क्या होगा, बिकॉज उस्मान कबीले में वापस आ चुके हैं। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये गुस्सा आ रहे दोनों। किला सोफिया, दिस इज सोफिया, सोफिया ही है। तो हर सपने में मरेगा। ये ऐसे काम तो क्यों रही है ऐसे ऐसे करके। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन उसका साथी बांसी का बेटा अब्बास इस वक्त कबीले में सब उसके इर्द गिर्द बैठ कर रो रहे हैं। मार दिया है उसे। यानी उस्मान तक पैगाम पहुंच गया। अब यकीनन दखल अंदाजी नहीं करेगा। दखल अंदाजी नहीं करेगा, उसको क्या मालूम। फिर भाई सीधे आ गई बाला खातून किले में। दिनों से इंतजार कर रहा था। खुदावंद का शुक्र है कि तुम लोग आ गए। थोड़ी थकन हो गई है, लेकिन ऐसा मुकद्दस काम सरंजाम देकर हमारी थकन उतर गई है। हमारे मोहतरम कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना उनकी? ठीक है। किले की सूरत हाल का पूछ रहे थे। आपको पता है कोमलूजा को ज्यादा अहमियत देते हैं वो। खुदावंद उनकी हिफाजत करे। हमने सुना काफी मसाइल हो गए हैं। आपने जो कहा था वो ठीक था। हाकिम यूरोकोपुलोस के लोगों को बहका लिया गया है। अंदाजे ठीक थे तुम्हारे। तुर्कों से ताल्लुकात की वजह से ही वो तख्त-ए-मशक बन गया है। उसके आसपास के अंधेरे अफ्रियत से बढ़कर हैं। वो अंधेरे कोमलूजा को लपेट में ले लेंगे। मुझे यकीन है भड़के हुए शैतान के लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है। जनाब के हुक्म पर अमल करके हमें खजाना ढूंढना होगा। अगर कामयाब ना हुए तो सब खो देंगे। उन्होंने खुफिया कलमात भेजे हैं ना? मुझे तुम दोनों पे फख्र है। जो भी मुहिम तुम लोगों ने जिम्मे ली उसमें कभी भी नाकाम नहीं रहे। मुमकिन है कि ये अंजील के राजों में से कोई राज वाला खत हो, या फिर इन कलमात का कोई और मतलब हो। अगर हम राजों के एक सिरे का पता चला लें तो मैं इन लफ्जों को हल कर सकती हूँ। जरूर कोई जगह होगी जहाँ इन लफ्जों की मालूमात होगी। इस तरह के लिखे कई खुफिया कलमात को मैं हल कर चुका हूँ। तब तो हम ये काम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे और खुशी के साथ अपनी मुहिम पूरी करके अपने घरों को लौट सकेंगे।
मैंने कनीसा में आपके लिए दुआ की है मेरे आका। खुदावंद की मदद से और कालानोस की तदबीर से यकीनन असल दुश्मनों को पकड़ लेंगे। लेकिन आका, क्या आपको यकीन है कि गद्दार हम में से ही कोई है? हमारे साथ गद्दारी की गई है। ये गद्दारी बाहर से नहीं, कला के अंदर से हो सकती है। अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो खतरा बहुत बड़ा है। वादा करो कालानोस, मुझे असल लोग ला कर दोगे और ना अगली बार और भी करीब से वार करेंगे, जैसा आप कहें। शोफिया, ये शोफिया का घरवाला है, पता है? अच्छा। मेरे सरताज। सरताज है इसका टीचर। मैं हर रात आसमान देखती हूँ। हम तो पता नहीं क्या ही देखते हैं। सितारों की हर बढ़ती चाल पर गहरी नजर है मेरी। इतनी दूर से कभी गई हो? गजब है ये, उसकी नजर जाती है सितारों। एक चीज तो यकीनी है, जब तक आप हयात हैं, आपका बनाया निजाम कोई छू भी नहीं सकता। मशरूब पिलाओ। तुन कर रही है ये बादशाह को तुन। अरे अरे मिस्टर धुंडियार, बहुत कॉमेडी है ये। अच्छा, चिढ़ेगा अभी उस्मान को। तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था, हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारे नादाने की वजह से, जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से मुसलसल बेइज्जती हो रही है मेरी। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाकये के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुरुल भाई यहां होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। आवाज कैसी होगी इसकी? भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है। ये कैसी है चीज की आवाज? और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बनाते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बिल्कुल। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख ले। अपने चच्चे को कुछ नहीं समझता ये। इसे तन्हाई में ले जाओ, समझाने की कोशिश करो अच्छी तरह, ताकि किसी मुसीबत का सबब ना बने। उस्मान को चाहती है अम्मी, बट उस्मान नहीं चाहता। अबू से बात करें ना अम्मी, उस्मान के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा नहीं बैठेगा सुकून से वो। बेटी पता है ना क्या कह रही हो तुम्हें? उस्मान ना अपने चचा की सुनता है ना ही किसी और की। आयमा खानम की आवाज। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे बस। बट आयमा खानम क्या थी और ये क्या है?
सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरलुस उस्मान, अनदर सीन, बहुत इंटरेस्टिंग सीन था ये, उस्मान और उसके चचा की जो खिटमिट होने वाली है ना आगे, इनको पता नहीं, इन दोनों ने देखा नहीं, मैंने देखा हुआ है, बट आगे तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत टाइम हो गया मैंने देखा हुआ है ये, एंड मजा आएगा भाई आगे तो, और मजा आएगा, सबसे ज्यादा मजा वो आएगा, मैं उसका नाम भूल गया यार, वो नाम बताओ मुझे उसका, वो जो बंदा नहीं है वो जो आता है बुढ़ा सा, वो मंगोल आता है ना लंबे लंबे बालों वाला, क्या नाम था यार उसका, जिसके साथ गोकतुक भी है, जरगोताई भी है, उसके दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, गोकतुक को वो अपना बेटा समझता है, कौन है यार वो, कैसा दिखता है वो, तुम्हें कहाँ पता होगा, तुमने थोड़ी कुरलुस उस्मान देखा है पहले, इनको पूछ रहा है मैं, तुम्हें नहीं पूछ रहा, आप लोगों को, क्या पता आप याद लोगों आ को पूछ रहा हूँ, बताओ यार, बताओ यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।